मैं हूँ आपकी हिंदी टीचर। बच्चों अपन क्या पढ़े थे? पार्ट पांच। पार्ट पांच क्या है? सागर का किनारा। पार्ट पांच क्या है? सागर का किनारा। इसमें कौन से पांच अक्षर है? छ छ झ झ ञ है। छ छ झ झ ञ है, ये व्यंजन है। तो व्यंजन कितने हैं बच्चों? 33। उसमें से अपन कितने अक्षर सीखे? क ख घ घ इनी और छ छ झ झ ञ सीखे। तो यहाँ पर पार्ट पांच में ये पांच अक्षर है छ छ झ झ और ञ। छ से चरका, छ से छतरी, ज से जहाज, झ से झरना, ञ। तो यहाँ पर सागर का किनारे का दृश्य है। ये चित्र में क्या है? सागर का किनारा। तो ये कविता अपन पढ़ चुके हैं ना, ये चार लाइन आपको याद हो गए। फिर से एक बार पढ़ाती हूँ, देखो। सागर के सागर किनारे झूले बहना, भैया पतंग उड़ाता, सागर के तट पर जाना सबके मन को भाता। सागर के किनारे झूले बहना, भैया पतंग उड़ाता, सागर के तट पर जाना सबके मन को भाता। तो ये चार लाइन सबको याद हो गई। यहाँ पर च से चरका, च से चरका, च से छतरी। च से चरका क्या है? स्पिनिंग व्हील। और छतरी क्या है? अम्ब्रेला। ऐसे चित्र में क्या करना है आपको? यहाँ पर चित्र आपको खाली दिए गए हैं, ये डॉट्स ज्वाइन करना है और इसके अंदर रंग भरना है। यहाँ पर छ का अभ्यास दिया गया है। छ का अभ्यास क्या है? वर्ण पहचानी और समान वर्णों पर गोला लगाइए। यहाँ पर छ और छ दिया गया है, तो क्या करना है? वो पहचान के आपको गोला लगाना है और पहचानिए और मिलाइए, पहचानिए और मिलाइए। यहाँ पर आपको चित्र पहचानना है और मिलाना है। नेक्स्ट, वर्ण जोड़कर शब्द बनाइए। यहाँ पर छ और छ दिया गया है, आपको वर्ण जोड़कर शब्द बनाना है। यहाँ पर ये पहले में छ है, ये पहला अक्षर जो गोले में दिया गया है वो यहाँ पर लिखना है। ऐसे लिखने से शब्द बन जाता है, ये अभ्यास है। नेक्स्ट, आपको यहाँ पर सुलेख दिया गया है छ और छ, और छतरी में क्या करना है आपको? छतरी में रंग भरना है। और यहाँ पर झ से जहाज, झ से झरना, इसका भी अभ्यास दिया गया है। जैसे छ और छ का दिया गया है वैसा ही झ और झ का भी अभ्यास दिया गया है। और यहाँ पर आपको झ और झ का अभ्यास सुलेख लिखने के लिए कहा गया है। और यहाँ पर हाथी में, हाथी में देखो, चित्रों को देख